तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया पाया। तुम अम्मा के लिए सही नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अम्मा का ख्याल सिर्फ और सिर्फ बिंदिया रख सकती है। बिंदिया रख सकती है। बिंदिया की जीत पर क्या होगा पायल का पलटवार? तो सुहागन के एपिसोड में हमने देखा कि भाई बिंदिया अम्मा जी और जो कृष के पापा हैं वो घर छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई किसी यहाँ पर ना कोई भी उनको पसंद नहीं कर रहा था। स्पेशली जो पायल है वो तो बार बार टोंट कस रही थी कि भाई अम्मा को बिंदिया को घर से बाहर निकाल दो। और यहाँ पर हमने देखा था ना किस तरीके से जो अम्मा जी होती है वो पायल पर अटैक भी कर देती है चाकू से और छत से गिराने की भी कोशिश करती है, लेकिन पायल बच जाती है। तो पायल कहीं ना बहुत डरी हुई है और वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि अम्मा इस घर में रहे और अम्मा मेंटल हॉस्पिटल वापस चली जाए। और यहाँ पर इंदु भी जो है ना वो अगेंस्ट हो गई है और सारे अपने लड़कों के साथ कृष के साथ बहू के साथ सबके साथ आ गई है और इंदर के अगेंस्ट हो गई है। बोलती है कि नहीं भाई अब तो मैं भी नहीं चाहती कि अम्मा जी घर में रहे, लेकिन यहाँ पर जो इंदर है वो बोलते हैं कि मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ अकेले। और वो थोड़ा सा लग रहा है कि अब वो ठीक हो रही है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि शायद वो रिकवर हो सकती है और मैं अब उनको नहीं छोड़ सकता, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदिया पापा और अम्मा जी चले गए हैं, एम्बुलेंस में जा रहे हैं और यहाँ पर बिंदिया कहती है कि काम करते हैं मेंटल हॉस्पिटल तो नहीं हम ना चिरैया चलते हैं, क्योंकि अम्मा जी जाने को तैयार नहीं थी। तो सब तीनों लोग वो लोग चिरैया जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में हम देखेंगे कि भाई जो कृष है वो आ जाएगा उनको लेने। हमने देखा था कि इंदु जो है ना वो फूट फूट कर रो रही है, बहुत रो रही है इंदर की याद में और बोल रही है कि अरे मेरे से क्या हो गया, और हम तो कभी भी कितनी भी लड़ाई हुई लेकिन अलग कभी नहीं हुए, कभी भी कृष के पापा ने घर नहीं छोड़ा है और ऐसे कैसे हो गया। और यहाँ पर ना भाई जो पायल है वो लेकिन नहीं चाहती है कि वो लोग वापस आए, क्योंकि अगर अम्मा जी वापस आ गई तो पापा तो आएंगे लेकिन साथ में बिंदिया भी आ जाएगी। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया पायल, तुम अम्मा के लिए सही नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। अम्मा का ख्याल सिर्फ और सिर्फ बिंदिया रख सकती है। बिंदिया रख सकती है। बिंदिया की जीत पर क्या होगा पायल का पलटवार? और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि उसे लग रहा था कि भी बिंदिया का तो पत्ता साफ हो गया, अब बिंदिया तो कृष से मैंने दूर कर दी है और अब उसकी जिंदगी में तो आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सब वापस आ जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि भाई जो कृष है ना वो तीनों को लेकर आता है, गाड़ी में बैठे हैं तीनों लोग, और यहाँ पर जो अम्मा जी है ना वो पुराना गाना बहुत इंजॉय कर रही है और कृष बंद भी कर देता है गाना, लेकिन फिर वो गाना चला देती है। और ये सब लोग जो छोटी मोटी बिंदिया और उनके बीच हो रही है, लेकिन अब सबसे मेन जो ट्विस्ट आएगा ना वो आएगा घर पर, जब कृष लेकर आएगा इन तीनों को घर में और बिंदिया को देखते ही ना पायल के होश उड़ जाएंगे। हम कुछ वीडियोस भी देख रहे हैं जो आने वाले हैं आगे एपिसोड में आएंगे कि भाई पायल पर दे दी जाएगी पूरी जिम्मेदारी अम्मा जी की। यहाँ पर पायल को बोला जाएगा कि भाई बिंदिया नहीं पायल संभालेगी, और बिंदिया और पायल को ना दो तीन दिन दिए जाएंगे कि भाई तुम देख लो, अगर तुम संभाल सकते हो अम्मा जी को तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बिंदिया को यहीं पर रखेंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बिंदिया को हम घर से बाहर निकाल देंगे। तो भाई अब देखना होगा पायल किस तरीके से यहाँ पर अम्मा जी को संभाल पाती है या नहीं, क्योंकि बिंदिया को तो ना कहीं डर लग रहा है कि भाई वो पायल जो है ना उस पर विश्वास नहीं है बिंदिया को, और उसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो अम्मा जी के साथ गलत ना करे, कहीं अम्मा जी की जान ना चली जाए। और इस वजह से ना बिंदिया क्या करती है, बिंदिया ना उनके कमरे के बाहर ही बिस्तर बिछा के सो जाती है, लेकिन ये सब पायल देख लेती है। और पायल कहती है, पायल बुलाती है फिर अपनी मम्मी को, इंदु को बुलाती है और बोलती है कि ये देखो क्या बिंदिया कर रही है और बिंदिया क्यों यहां पर आ रही है, और बिंदिया को फिर दोबारा वो वहां से निकाल देती है। तो अब देखना होगा पायल क्या करेगी अम्मा जी के साथ, क्या उनकी जान को हो जाएगा खतरा।